मेरे पास एक लिफाफा था जो मेरी मालकिन ने मुझे दिया था और कहा था कि मेरी मौत के बाद उसे खोलना। मैं यही सोचती रहती थी कि आखिर उसके अंदर क्या होगा, कहीं उन्होंने मेरे नाम पर कुछ संपत्ति तो नहीं कर दी। पर उन्होंने खास मुझे कह रखा था कि मरने से पहले इसे मत खोलना, जिस वजह से मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैं अपनी जवानी के जोश में मालिक के साथ उलझी हुई थी और लिफाफे से मेरा ध्यान हट गया था। काश मैंने लिफाफा को खोल कर देखा होता। मैंने उस लिफाफे को अलमारी के अंदर संभाल कर रख दिया था। मालकिन को पता चल चुका है कि वह अब कुछ दिनों की मेहमान है, पर मेरा ध्यान उनकी सेवा से हट चुका था। वह मुझे और मालिक को साथ देखती रहती थी। एक दिन वह चल बसी। घर जाकर कांपते हुए हाथों से मैंने वह लिफाफा खोला। उसके अंदर कुछ पेपर थे जिनको पढ़ते ही मैं रो रो कर बेहोश हो गई, क्योंकि उसके अंदर तो दोस्तों मेरी लिखी हुई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शिखा है। अभी मेरी उम्र 18 साल की भी नहीं हुई थी कि मेरे पापा की मौत हो गई और हमारे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और कॉलेज के लिए ट्राई कर रही थी। मेरी माँ भी हाउसवाइफ है और अब हमें पता नहीं चल रहा था कि तीन लोगों का परिवार कैसे चलेगा। मेरा भाई तो अभी भी छोटा है और क्लास 8 में पढ़ता है। वह अभी घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। अब मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी थी, पर इतनी कम पढ़ाई में मुझे क्या नौकरी मिल पाती। आखिर मैं घर के पास वाले सरकारी अस्पताल में आया का काम करने लगी थी। मैं अस्पताल की एम्प्लॉय नहीं थी, बल्कि मेरा पेमेंट तो पेशेंट करते थे जिनकी मैं सेवा किया करती थी। 8 घंटे के ₹400 मिलते थे। कभी कभी मुझे डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती थी और मैं छुट्टियों में भी काम करने लगी थी, क्योंकि इतने पैसे में घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। इतनी कम उम्र में इतना काम करके मैं थककर चूर हो जाती थी, पर फिर भी घर की हालत नहीं सुधर पाई। मेरे पापा ₹1,00,000 कमाते थे, वहाँ से घटकर मेरी कमाई 12,000 से 15,000 रह गई थी, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कम से कम हमारा अपना मकान था और मकान का किराया नहीं देना पड़ता था, लेकिन बाकी सारे खर्चे में हमें कटौती करनी पड़ी थी। ऐसे ही एक दिन मैं एक पेशेंट की सेवा कर रही थी। एक औरत थी जो कि 35 साल की उम्र की थी। न जाने उन्हें क्या बीमारी थी, उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि घर में ही रखकर उनकी सेवा कीजिए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम मेरे घर के ड्यूटी ले लो, मेरे घर पर ही रहना, खाना पीना और घर की जिम्मेदारी संभाल लो। वह मुझे दिन के ₹1,000 देने को तैयार थे, बस मुझे वहीं पर रहना था। मैंने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि तुम चाहो तो यहाँ पर काम कर लो, इससे तुम्हें कहीं जाना आना भी नहीं पड़ेगा और अच्छी कमाई भी हो जाएगी। मैं उनकी बात मान गई और मालकिन के साथ घर आ गई थी। मैं उनके अच्छे से देखभाल करने लगी थी, साथ ही खाना बनाने का काम भी करने लगी थी। बाकी काम घर की नौकरानी कर देती थी, पर मेरी सेवा से मालकिन ठीक नहीं हो रही थी। वह दिन पर दिन मुरझाती जा रही थी। मालिक जब भी घर पर होते थे तो मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। जब मैं किचन में खाना बनाती तो मेरे पीछे से जाकर देखने लगते थे। मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं कम उम्र की हसीन लड़की थी और मालिक की उम्र करीब 36-37 साल की होगी, लेकिन वह मुझ पर नजर रखने लगे थे। मेरी तरफ हर वक्त गंदी नजर से देखते रहते थे। जब भी मेरे पास होते मेरे आंखों में आंखें डालकर मन में हसरत लिए देखते रहते थे। मेरी क्लास का एक लड़का पढ़ता था, मनीष। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब से मेरे पापा की मौत हुई है हम दोनों का मिलना भी बहुत कम हो गया है। वह कॉलेज में भर्ती हो गया है। मुझे अक्सर कहता है कि मैं एक बार नौकरी कर लूं, फिर तुमसे शादी कर लूंगा। पर अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, बल्कि मेरे ऊपर अब जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। और फिर मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि मनीष कॉलेज जा रहा है, कहीं वहाँ की कोई लड़की उसे पसंद ना आ जाए तो मेरी यह उम्मीद भी टूट जाएगी। मालिक के घर में काम लेने से पहले मैं यही सोच रही थी, इससे मैं मनीष से नहीं मिल पाऊंगी, हमारे रिश्ते में दूरी आ जाएगी। लेकिन फिर यही सोचकर काम ले लिया कि मालकिन शायद ज्यादा दिनों तक ना जिंदा रहे और कुछ महीने में मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। बस यह काम मैं पैसों के लिए कर रही थी। मैंने मनीष से कह दिया था, पर मनीष इस बात से काफी दुखी था। मैंने उससे कहा कि शाम के वक्त कभी कभी तुम मुझे फोन कर लेना, मैं घर से बाहर निकल कर तुमसे मिल लिया करूंगी। शाम के वक्त मालिक घर पर आ जाते हैं और मैं 1 घंटे के लिए अपनी माँ से मिलने के बहाने घर से निकल जाती थी।
फिर मनीष के साथ थोड़ा घूम फिर लिया करती थी। ऐसे मनीष भी खुश रहता था। मैं उससे कहना चाहती थी कि मालिक मेरी तरफ गंदी नजर से देखते हैं, पर मैं उसे कह नहीं पाती थी क्योंकि मनीष कहेगा फिर यह काम छोड़ दो। पर मैं कोई हॉस्पिटल की परमानेंट एम्प्लॉय तो हूँ नहीं, मैं ऐसे पेशेंट को ना कर दूं तो मेरी कमाई तो बिल्कुल रुक जाएगी। इसी वजह से मैंने यह बात मनीष से छुपा ली थी। वैसे भी अब तक मालिक ने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी, बस मुझे नजरों से ही ताड़ते रहते थे, कभी हाथ नहीं लगाया था। और घर पर मालकिन भी थी तो वह ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर मैं इस बात को छुपा लिया था और वहाँ मन लगाकर काम करने लगी थी। मालिक रोज अपने हाथ से मालकिन को एक ग्लास दूध लेकर उसे पिलाते और उनके साथ बैठकर बात किया करते थे, पर मुझे मालकिन के चेहरे में एक उदासी नजर आती। मुझे समझ नहीं आता था इन दोनों की कैसी मोहब्बत है। मालकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं यही सोचती थी कि शायद मालिक अंदर ही अंदर इस बात से दुखी होंगे। एक दिन मैंने मालकिन को अच्छे से सुला दिया था, फिर रात को मैं अपने कमरे में जाकर सोने लगी थी। मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया, मुझसे कहा तुम्हारी मालकिन के बिना अब मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं उन्हें उनके अंतिम वक्त में खुश रखने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे दिल का क्या, मैं भी मर्द हूँ और यूँ तन्हा हो गया हूँ। मुझे कोई प्यार करने वाली नहीं है, मेरे अंदर की ज्वाला कैसे शांत करूँ, कहकर मेरा हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, पर मुझे उनके चेहरे में प्यास नजर आ रही थी। मैं डरकर अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। वह काफ़ी देर तक मेरा हाथ पकड़ कर बैठे रहे और होले होले मेरा हाथ दबाते रहे। कभी कभी उनकी नज़र मेरी गुलाबी होठों पर होती। काफ़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मुझे मालिक की यह हरकत से अजीब एहसास होने लगा था। उसके बाद से जब देखो मालिक मेरे करीब आने की कोशिश करते, जब मैं मालकिन के कमरे में भी होती तो वह अंदर आ जाते और किसी न किसी बहाने मुझे अपने पास बुला लेते थे। मालकिन कहते जाओ, तुम्हारे मालिक क्या कह रहे हैं सुनकर आओ। मैं उनके पास चली जाती तो मुझे अपने पास बैठा लेते थे। एक दिन मैं मालकिन को खाना खिला रही थी, काम खत्म होते ही मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। जैसे मैं उनके पास गई तो अचानक ही मुझे खींचकर मुझसे लिपट गए और रोने लगे। कहने लगे अब मैं क्या करूं शिखा, तुम ही बताओ। घबराहट के कारण मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, अपने आप को छुड़ाने लगी थी। मैंने कहा मालिक क्या हो गया। कहने लगे तुम्हारी मालकिन तो ठीक ही नहीं हो रही है, डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी है। जाने रेनू के शरीर क्यों दिन पर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। मैं किसी तरीके से अपने आप को उनसे छुड़ा लिया था, पर वह काफी तेज सांसें लेने लगे थे। मैंने कहा मालिक होनी को कौन डाल सकता है, आप अपने आप को संभाले। उन्होंने कहा मैं अब परेशान हो गया हूँ, इतने दिनों से मैं अकेला हूँ और तड़प रहा हूँ। तुम तो समझ सकती हो ना, तुम्हारी मालकिन मेरा साथ नहीं दे पाती, मुझे भी एक औरत की जरूरत है, मैं भी इंसान हूँ। कहकर अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी जरूरत को मिटा दो। उनकी बात सुनकर मैं उनकी तरफ देखने लगी थी। फिर कहा मालिक यह आप क्या कह रहे हो, आपकी पत्नी अभी जिंदा है, आपके लिए तो मैं पराई औरत हूँ। वह कहने लगे देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बस मेरे करीब आ जाओ, मुझसे अब बिल्कुल रहा नहीं जाता। एक तुम ही हो जो मुझे दिल का सुकून दे सकती हो, मैं तुम्हारी हर जरूरत को मिटा दूंगा, बस तुम मेरे अंदर की आग को बुझा दो। ऐसे भी तुम्हें अपने कमरे में ही सोना है, तुम मेरे साथ सो जाओ। कहकर अपनी पॉकेट से 5,000 रुपए निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मैं उनकी तरफ देखती रह गई थी। आखिर मालिक मुझसे क्या चाहते हैं, वह भी अपनी पत्नी के साथ रहते हुए। मैंने कहा देखिए मालिक, मालकिन दूसरे कमरे में है, मैं यह नहीं कर सकती, मैं उनके प्रति वफादार हूँ। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कहने लगे उनके साथ साथ तुम मेरी भी कर्मचारी हो, मैंने भी तुम्हें काम पर रखा है। वह अपना हाथ मेरे शरीर में आहिस्ते से फेरने लगे थे। मैंने कहा यह ठीक नहीं है मालिक, अगर मालकिन को पता चल जाएगा तो आप दोनों के रिश्ते में करवाहट आ जाएगी, बेचारी अपनी आखिरी दिनों में और टूट जाएंगी। पर वह नहीं माने, कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि रेनू घर पर है, वह मुझे वो चरम सुख नहीं दे सकती जो मैं तुमसे हासिल कर सकता हूँ। कहकर वह मेरे ऊपर टूट पड़े।
इस हालत में भी मुझे अपने बॉयफ्रेंड मनीष का ख्याल आया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन उस पल में मैं भी बहक गई और पाप कर बैठी। मुझे पैसों की जरूरत थी, इस उम्र में ही मुझे अपने घर की जिम्मेदारी उठानी थी, तो मैंने हाँ कर दिया था। और उसके बाद से ही मालिक मेरे पैसों की जरूरत को पूरी करने लगे थे। मैं मालकिन का ख्याल तो रखती थी, पर मौका मिलते ही मालिक मुझे अपने पास बुला लेते थे। हम दोनों आपस में लगे जाते थे। मालकिन ने भी यह बात नोटिस की थी और कहने लगी थी, आजकल तुम मालिक के पास ही ज्यादा रहती हो और मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। तुम्हारे मालिक भी तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं और मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते। काफी उदासी भरी आवाज में उन्होंने यह बात कही थी, पर मैं भी जवानी के नए जोश में भर गई थी। मेरी अपनी जरूरत थी जो मालिक पूरा कर देते थे और ऊपर से मुझे पैसे भी मिल जाते थे। एक बार गलत राह में चल पड़ो तो उसमें ही मजा आने लगता है। तो मैं इस दलदल में धंसती चली गई और मालकिन दिन पर दिन टूटती चली गई। देखते देखते उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, पर मैं तो मालिक के नशे में डूबी हुई थी। मुझे हर तरह से खुश कर दिया करते थे और जवानी के रस में भींग कर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता था। मनीष से भी अब मेरी दूरियां बन चुकी थी। एक दिन मालकिन ने मुझे एक लिफाफा दिया, कहने लगी, मेरे मरने के बाद इसे खोलना। मैंने अपने घर की अलमारी में उसे संभाल कर रख तो दिया था, पर हमेशा यही सोचा करती थी, आखिर उसमें होगा क्या। आखिर एक दिन मालकिन चल बसी। इस घर में मेरा काम अब खत्म हो चुका था। अपने सारे पैसे लेकर मैं घर वापस आ गई थी। कल से मुझे अस्पताल जाना था और नया काम ढूंढना था। यही सब सोच रही थी कि अचानक उस लिफाफे का ख्याल आया। अब मैं अपने आप को रोक न सकी और अलमारी खोलकर उस लिफाफे को निकाला, पर न जाने क्यों उसे खोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। कहीं न कहीं दिल में था कि मैंने मालकिन के साथ गलत किया और आज उनका दिया हुआ लिफाफा खोलने जा रही थी। जब मैंने उसे खोला, उसमें कुछ कागजात थे और मालकिन के हाथ का एक सोने का कंगन था। उस कागज में लिखा हुआ था, प्यारी सिखा, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे कभी ना कह सकी, पर तुमसे कहना चाहती थी। मुझे पता लग चुका था कि मुझे क्या बीमारी है और मैं क्यों मर रही हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा सकती। शेखर और मैं कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज में ही हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी और फिर हमने शादी कर ली थी। शुरुआत में तो वह मेरे साथ हमेशा लगे रहते थे और हमारा प्यार उफान पर था, पर धीरे धीरे हमारा प्यार ठंडा होता चला गया। हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। वह जोश धीरे धीरे न जाने कहां गुम हो गया। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। न जाने मेरा क्या कसूर था कि शेखर का मन मेरे ऊपर से हटने लगा था। शायद मैं उन्हें एक बच्चा नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरे अंदर कमी थी, पर मैं अपने माँ बाप के जायदाद की इकलौती वारिस थी। हमारे बीच में दूरियां तो बढ़ती रही, पर मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद शेखर ने कभी मुझसे तलाक की बात नहीं की। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई और फिर मुझे एहसास हो चुका था कि शेखर की नज़र तुम पर चली गई है और तुम दोनों के बीच में रिश्ता बन चुका है। कभी जो रिश्ता मेरे और शेखर के बीच में हुआ करता था, आज तुम दोनों के बीच में बन चुका था। तुम दोनों के चेहरे में ही प्यार का नया जोश मुझे नजर आता था। जरा सोचो, कोई औरत ऐसे तुम्हारे पति को छीन ले तो कैसा फील करोगी। पर मैं खामोशी से सब सहती चली गई, यह जानने के बावजूद भी कि मेरी मौत कैसे हो रही है। मैं अंदर से टूटती चली गई। तुम दोनों को देखकर मेरा सीना छलनी छलनी हो जाता था। दरअसल शेखर मेरे दूध में मुझे स्लो पॉइजनिंग करते थे ताकि मैं मर जाऊं और डॉक्टर को मेरी मौत की वजह कभी पता न चले और उसे मेरी जायदाद मिल जाए। पर मैंने अपनी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी है ताकि शेखर को उससे कुछ भी ना मिले। तुम्हें अपना यह कंगन देकर जा रही हूँ, पर तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम ऐसे इंसान से दूर रहो। उनकी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मैं बेतहाशा रो रही थी। यह मुझसे क्या गलती हो गई, एक नेक इंसान को मरने से पहले मैंने इतना दुख दिया। पर मैं यह बात पुलिस से भी नहीं कह सकती थी क्योंकि एक तो मेरा और मालिक का नजायज रिश्ता था, दूसरा डॉक्टर को तो उनकी मौत की वजह पता तक नहीं थी, न ही उनकी बीमारी की
की वजह पता थी। मालिक रोज अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाते थे और किचन में वह दूध खुद ही बनाते थे। हो सकता है उसमें किसी तरीके का जहर मिलाते हो जिससे धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाए और पोस्टमार्टम में पकड़ा भी न जाए। मैंने शेखर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, ऐसे इंसान से दूर रहना चाहती थी और मुझे उम्मीद थी कि उनके किए की सजा उन्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगी। और मेरे किए की सजा मैं खुद भुगत रही थी। मुझे हर रोज अपनी गलती का एहसास होता है और यही सोचती रहती हूँ कि काश मैं यह लिफाफा पहले ही खोल लिया होता तो शायद उनकी जान बचाने की मैं कोशिश कर सकती थी। पर हर कहानी फिल्मी नहीं होती। एक फिल्मी कहानी की तरह मैं यह चिट्ठी पुलिस के पास नहीं ले जा सकती थी। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता और मैं यही सोचती हूँ कि कभी मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा फील होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। थैंक यू।